नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है एक नई खबर के साथ। सिरसा शहर में बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को लेकर स्थानीय प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। उनके द्वारा इस दौरान लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी तेजी से चालान काटे जा रहे हैं। इसी का उदाहरण आज सिरसा शहर के परशुराम चौक पर देखने को मिला, जहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा बड़े स्तर पर लोगों के चालान काटे गए। और इस दौरान ट्रैफिक इंचार्ज बहादुर सिंह ने कहा कि प्रशासन द्वारा सख्त हिदायत जारी की गई है कि जो भी कोरोना की महामारी में लापरवाही करेगा उसके इसी तरह से ही बड़े स्तर पर चालान काटे जाएंगे। देखिए एक रिपोर्ट। वहीं इस दौरान ट्रैफिक इंचार्ज ने लोगों से घर में रहने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, वरना सभी लोग घर में ही रहें। यह अपील ट्रैफिक इंचार्ज बहादुर सिंह ने की। देखिए रिपोर्ट। हमारी फैलने की अंदेशा है तो उसके हम रोकथाम के लिए मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई एक दूसरे से डिस्टेंस में रहें, मास्क लगाएं और अपील कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें। यही अपील करना चाहता हूँ कि नहीं तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। अपने मास्क लगाएं और डिस्टेंस में रहें, उचित दूरी बनाए रखें। यही मेरी अपील है।